मैं अंदर आया हूँ और जो मुझे यहाँ पे लैंब की मीट की खुशबू आई है ना, खतरनाक वाली, भूख चमक गई भाई। ये है भाई नमकीन टिक्का, ये बन रही है पिशावरी स्टाइल की कढ़ाई, ये बन रही है बट स्टाइल की कढ़ाई। इसको क्या बोलते हैं, कौन सी कढ़ाई है? मछली कढ़ाई। मछली कढ़ाई। अस्सलामुअलैकुम, मैं उज़िया तबारक और भाई मैं मौजूद हूँ दुबई में, लेकिन दुबई से मैं अभी होटल में चेकआउट करने के लिए नीचे आया हूँ क्योंकि अभी मेरी फ़्लाइट है सऊदी अरब रियाद के लिए। रियाद में पहले नहीं गया कभी भी, फर्स्ट टाइम है, शॉर्ट स्टे है वहाँ पे, लेकिन देखेंगे कि रियाद में क्या क्या होता है, क्या कुछ खाते पीते हैं, कैसा है रियाद, आपको भी दिखाएंगे। तो फिर चलें। ओके भाई, बोर्डिंग डन। चले जी, हमने कहा थोड़ा टाइम पास कर लें अभी एयरपोर्ट के ऊपर, क्या करें। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे ये सोवेनियर्स बने हुए हैं, ड्यूटी फ्री के ऊपर चॉकलेट्स वगैरह भी सस्ती मिलती हैं। मैं तो जब आना जाना होता है ना, वापसी की फ़्लाइट होती है, तो ज़्यादातर कनेक्टिंग में एयरपोर्ट से ही चॉकलेट्स ले लेता हूँ, वज़न भी नहीं पड़ता। और थोड़ी सी इसके अंदर जैसे यहाँ पे देखें आप, ये डील्स चल रही होती हैं, बाई टू गेट वन, बाय एनी टू गेट वन। का टाइम हो गया, अजान हो रही है, तो नमाज पढ़ ली जाए क्योंकि फ्लाइट में थोड़ा टाइम है अभी। चले जी फ्लाइट पे चले। ओके भाई, बस की राइड करके आ गए हैं जहाज पे चढ़ने के लिए। एयरपोर्ट रियाद का जैसा मैं सोच रहा था वैसा मुझको नहीं लगा। मेरे ख्याल में शायद ये दूसरा टर्मिनल हो जिस पर फ्लाई दुबई जो छोटी फ्लाइट्स हैं वो आती हैं, जो बड़ी फ्लाइट्स हैं एमिरेट्स वगैरह की, हो सकता है वो डिफरेंट टर्मिनल हो, क्योंकि ये मुझको थोड़ी ओल्ड बिल्डिंग लग रही है, लेकिन देखते हैं। ये देखें जी, पिलर नंबर 24 पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त, और गाड़ी अभी आने वाली है, मोहसिन भाई ने गाड़ी भेजी है, और उसके बाद मैं होटल जाऊँगा अभी, वहाँ पर थोड़ा चेक इन करूँगा क्योंकि 2 घंटे जो है ना वो फ्लाइट लेट है। 2:15 बजे फ़्लाइट ने उड़ना था, लेकिन वो उसने टेक ऑफ किया है 4 बजे, तो फ्लाई दुबई जो है ना उसमें ये सब मसले मसाइल होते रहते हैं। खैरियत से, मज़े में भाई? मोहसिन भाई हमारे दोस्त हैं जी, रियाद में ही रहते हैं वो यहाँ पे काफ़ी अरसे से जी, और वही हमारे होस्ट हैं यहाँ पे जी। लंबा स्टे नहीं है मेरा, छोटा सा स्टे है यहाँ पे, 2 नाइट्स का, रात तो एक हो गई, बस कल का दिन है समझे, परसों इंशाल्लाह मुझे मदीना मुनव्वरा जाना है। यहाँ से होटल कितनी देर की ड्राइव है? हम लोग यहाँ से लगेगा तकरीबन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स। इस वक्त सऊदी अरब में भाई तकरीबन 6:15 बज रहे हैं और पीक टाइम है ये ऑफिस के ख़त्म होने का, तो आप देखें यहाँ ऊपर भी गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, स्टिल है बिल्कुल, ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है काफ़ी ज़्यादा। बड़ी खूबसूरत एक बिल्डिंग है यार, ऑफिसेज हैं मेरे ख्याल में ये सारे, पूरी ग्लास की बनी हुई है और अंदर लाइट जल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये उलैया का इलाका है, उलैया या उलैया, और यहाँ उल्टे हाथ पे जो है ना वो 21 किलोमीटर के ऊपर किंग सलमान पार्क बन रहा है, कोई थीम पार्क बन रहा है ये 21 किलोमीटर्स के ऊपर, और ये समझे हम जो है ना वो सिटी सेंटर में आ गए हैं बिल्कुल। चले जी, होटल आ गया हमारा, ये हमारा होटल है भाई। मोहसिन भाई आ गए भाई मुझको लेने के लिए, और मैं होटल जाके थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गया था, अभी मोहसिन भाई के साथ हम जाएंगे। कैसे हैं मोहसिन भाई? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जिया भाई, वेलकम टू रियाद और थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। ये पाकिस्तान की सौगात तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कराची की सौगात, पाकिस्तान की सौगात। और क्या प्लान है अभी हमारा? बस हम लोग जाएंगे, आपको ऐसी चीजें खिलाएंगे आपको लगेगा पिशावर आ गए। अच्छा, आदमी पिशावर आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई एक नई चीज पता चली है, हमारे लिए तो पुरानी हो गई है, लेकिन आपको जब हम कराएंगे तो फिर आप कहेंगे कि यार भाई देखते हैं रियाद में पिशावर है भी के नहीं है। मोहसिन भाई सामने ये किंगडम टावर बना हुआ है ना, ये क्या, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? किंगडम टावर जो है ना रियाद की आइकॉनिक बिल्डिंग है, और इट इज़ ओन्ड बाय वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, विच इज़
प्रिंस वलीद बिन तलाल। ओ अच्छा, तो अगर आप बीच में देखेंगे वी लिखा हुआ है। अच्छा, यही मैं आते हुए भी मैंने देखी, तो मैंने कहा यार ये क्या लाइट किस लिए बनी हुई है, ये बिल्कुल ये वलीद का वी लिखा हुआ है। इसमें ऑफिसेज हैं, मॉल है, फूड कोर्ट है, जो कि हमारी फेवरेट चीज है। यानी रियाद की बुर्ज खलीफा है ये। रियाद की बुर्ज खलीफा है ना, बिल्कुल ऐसे ही रियाद की बुर्ज खलीफा है। बिल्कुल भाई, ये मैं इस एरिया में जो रिकमेंडेशन पे रुका हूँ ना, वो मोहसिन भाई की रिकमेंडेशन पे ही रुका हूँ। मोहसिन भाई यहाँ पे माशाल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त जॉब करते हैं, इसके अलावा काफ़ी अरसे से यहाँ रियाद में हैं, रियाद के समझे लोकल हैं ये। तो हमने कहा कि भाई इन्हीं के साथ जो है वो ज़रा एक्सप्लोर किया जाए, शॉर्ट टाइम है, वरना इंशाल्लाह दोबारा आएंगे तो और भी एक्सप्लोर करेंगे। वैसे बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, हम शॉर्ट से टाइम में ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पीछे मेरे साहबजादे बैठे हैं, वो तो बहुत शौकीन है। कैसे भाई आप, ठीक है? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज हमजा जलाली एंड आई रियली लाइक बीइंग फेमस। अच्छा, नाउ यू आर फेमस। हमजा कॉल हिमसेल्फ जूनियर एडमिन। जूनियर एडमिन, क्योंकि रियाद इटरीज आपको पता है जी, उसका मैं फाउंडर हूँ, एडमिन हूँ, और हमजा उसके जो हैं जूनियर एडमिन। जूनियर एडमिन है रियाद इटरीज भाई, एक फेसबुक ग्रुप है बड़ा ज़बरदस्त, जिसपे रियाद के जो है ना रेस्टोरेंट्स वगैरह की रिव्यूज़ वगैरह आते रहते हैं। तो मोहसिन भाई उसके फाउंडर हैं और ये जूनियर एडमिन पीछे बैठे हैं। हाँ भाई, पहुँच गए हम रेस्टोरेंट के ऊपर। और ये कौन सा इलाका है मोहसिन भाई? ये हयल नमर है, शिफा के पास, शिफा के एरिया में। और रेस्टोरेंट है ये? रेस्टोरेंट का नाम है ट्रेडिशनल टेस्ट रेस्टोरेंट। ट्रेडिशनल टेस्ट रेस्टोरेंट, TTR। हाँ, TTR। TTR। इन्होंने ना नाम रखा था पहले सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट। हाँ, कराची में है सेकंड वाइफ। तो वो अप्रूव नहीं हुआ है। तो सऊदीया में सऊदी ने बड़ा पसंद किया था उस नाम को, मुतम अल ज़ौक अल तकलीदी। वाह भाई वाह, बड़ा मुश्किल है अरबी में तो, बड़ा मुश्किल नाम है। अस्सलाम वालेकुम। हां जी भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक है, हमारे स्वाद भी आया था ना। हां, स्वाद भी आया था, स्वाद भी आया। ये मेरे साथ रियाद इटरीज का मॉडरेटर है। ओके ओके ओके, टीम जमा हो रही है आज। जी, टीम जमा हो रही है, लड़के आ रहे हैं। अच्छा, ये जिस तरह ट्रेडिशनल स्टाइल होता है अरेबिक के फैमिलीज के लिए, प्राइवेसी वगैरह उस तरह का, ये पश्चिमी नशीस बनी हुई है यहाँ पे, और उधर डाइनिंग वो भी है। बिल्कुल, ये देखिए, ये मजलिस है ट्रेडिशनल स्टाइल, ये ज़रा ज़्यादा लोगों के लिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, थैंक यू। फर्नीचर तो बड़ा रॉयल किस्म का है ना, है ना, रॉयल स्टाइल के मॉल बनाया हुआ है। अली भाई ले जा रहे हैं हमें किचन में, और किचन में देखते हैं क्या माहौल है। हमारा तो यही एरिया होता है भाई, बारबेक्यू सीन ऑन है भाई। क्या हाल है आपके, हैं ठीक है? अफगानी बूटी है कि नहीं? अफगानी बूटी भी हर चीज़ है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है, खैरियत से, ठीक ठाक? माशाल्लाह भाई, टीम लगी हुई है। और मैं अंदर आया हूँ, और जो मुझे यहाँ पे लैम की मीट की खुशबू आई है ना, खतरनाक वाली, भूख चमक गई भाई। ये कढ़ाई बन रही है यहाँ पे, हमने यहाँ पे बट कढ़ाई, दमपो, चरसी कढ़ाई, इस टाइप की चीज़ें खाई हैं, फुल पेशावरी। अच्छा, ये खबर मिली थी कि चाइनीज आ गया है यहाँ पे, चाइनीज, तो वो खाए थे हमने यहाँ पे, लेकिन आ जाए तो और भी एक्सटेंडेड वेराइटी, मेन्यू बढ़ता जा रहा है, मेन्यू बढ़ता जा रहा है। ये देखें भाई, ये सीन ऑन है, ये बन रही है पिशावरी स्टाइल की कढ़ाई, ये बन रही है बट स्टाइल की कढ़ाई, और ये क्या सुलेमानी बन रहा है क्या, मछली मछली वो कोंग कोंग, ये क्या बन रहा है, ये दम्पो, चैनकी गोश्त, दम्पो दम्पो, चैनकी भी बोलते हैं ना इसको, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं नहीं, चिकन बिरयानी। अच्छा भाई, बिरयानी की बहुत बड़ी देगे, हाँ इसमें क्या है, ये क्या है भाई, ये बिरयानी का मसाला, बिरयानी बिरयानी का मसाला है ये। ओए ओए ओए, क्या खुशबू आई, रोटी बन रही है, रोटी नान बन रहा है यहाँ पे, ये गार्लिक नान है, सही, ये नान जी नान, बटर नान, और ये इसमें काबली पुलाव, ये काबली पुलाव है, काबली पुलाव चिकन का होता है या नहीं, नहीं बीफ का, ये कौन सा टिक्का है, ये नमकीन टिक्का, नमकीन टिक्का, नमकीन टिक्का है,
ये है भाई नमकीन टिक्का। अभी मैं रिसेंटली होके आया हूँ नमक मंडी से। अच्छा बिल्कुल ये वही। दिसंबर पे चक्कर लगा के आया हूँ मैं। हाँ कारखाना मार्केट भी गया हूँ मैं अभी। क्या बोलते हैं कौन सी कढ़ाई है? मछली कढ़ाई। मछली कढ़ाई ट्रॉली तैयार हो रही है हमारी। सूप यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे ये मछली कढ़ाई जो बोंग की होती है वो बनी हुई है। नीचे यहाँ पे और ज़बरदस्त ये बट कढ़ाई चिकन की है मेरे ख्याल में। तो भाई सीन ऑन है। ये नान वान आ गए भाई, रोगनी नान, गार्लिक नान, कलौंजी नान। अच्छा भाई सबसे पहले जो है ना वो TTR के ऊपर हमारा सूप आ गया है, हॉट एंड सॉर सूप। और सूप बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है देखने में मौसम भाई, काफ़ी रिच है। टेस्ट करते हैं बिस्मिल्ला। वैसे तो यहाँ पे सर्दी में भी गर्मी होती है लेकिन टेस्ट करते हैं भाई बिस्मिल्ला। सही का हॉट एंड सॉर है। ये आई भाई हमारी ट्रॉली। ओके ये आइटम जरा हैवी है। अच्छा ये मटन कढ़ाई और वो मछली कढ़ाई दोनों के स्पाइसेस में क्या फर्क है अली भाई? हाँ उसमें तो स्पाइसेस बेसिकली डाले लेकिन स्पाइस नहीं है। और ये भी स्पाइसी नहीं है, ये चर्सी कढ़ाई है। ये चर्सी है और ये जरा ये वाली भी ये नमकीन है। इसमें बस दमपुक सा टेस्ट है इसका। ओके अगर ये दमपुक से भी एक नेक्स्ट लेवल आ गया। ये चिकन बट कढ़ाई, ये बट कढ़ाई आ गई भाई। अच्छा भाई खाना आ गया हमारा बहुत सारा माशाल्लाह। यहाँ पे मटन के 3 आइटम हैं, चिकन की एक कढ़ाई रखी हुई है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे चाइनीज़ के आइटम भी हैं। दमपुख ये बीच में रखा हुआ है, ये चर्सी स्टाइल की कढ़ाई बनी हुई है, और ये भी एक कढ़ाई है जिसको आप कहते हैं मछली कढ़ाई। यानी कि ये जो डिश है ना, ये जो बोंग होती है, ये होती है मछली, मछली भी कहते हैं इसको और ये बोंग भी कहते हैं। ये आप देखें भाई, सबसे पहले तो मैं इसी को ट्राई करूँगा। और इस पर मैं ना आपको ज़िया भाई ये बताऊँ, इसके जो मसाला है ना, ये चीज तो सुहागा है। ये जो है ना गेम उठा देता है। गार्लिक नान भी हम ले लें, हम भी यहाँ पे ट्राई करते हैं, लेकिन इसको हम पहले जो है ना वो सबसे पहले ये देखें आप, ये देखें भाई आप, ये जो मीट है ना ये गर्म हो रहा है बहुत। तो मैं थोड़ी सी रोटी से इसको करूँ। सुपर टेंडर मीट। इसी का तो मैं वेट कर रहा था कि ये कब गिरेगा। इसी तरह मौसम भाई पिघलते हैं, ये कब गिरेगा। बोन अलग मीट अलग, ये है असल गेम। ये रियाद ईटरीज की टीम हमें यहाँ पे लेके आई है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना यार। कोई ना कोई तो गेम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई नरम व मुलायम गोश्त, जिस तरह स्टू होता है ना, स्टू बनता है प्याज के अंदर है ना, उस तरह का इसका टेस्ट है। बड़ा मज़ेदार लिस्पिसा सा नमकीन, वेरी नाइस। हरी मिर्च को भी हम ले थोड़ा सा, और ये जो है ना मीट के साथ मैं थोड़ा सा वैसे ही खाऊं बग़ैर रोटी के, है भाई ऐसे। बिस्मिल्लाह। हरी मिर्च से माहौल बदल जाता है, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए। ये भाई दमपुक, और दमपुक भी जो है ना वो ट्रेडिशनल पेशावरी डिश है। और ये इसके साथ ये जो लहसुन होता है ना, मुस्लिम भाई लहसुन जी आपने जी बिल्कुल, ये लहसुन लिया जाता है वाले थे बस। ये जो है ना लहसुन, इसके साथ आपको थोड़ा सा इसको प्रेस करना होता है। ये जो गार्लिक आता है ना, गार्लिक अलग से, ये गार्लिक आप लें, थोड़ा सा ये आप मीट लें। ओहो चले जी दमपुक, इससे जो घी उठती है ना। सही जगह पे लाए हो फिर मैं चले। वही मुलायम गोश्त, टेंडर मीट, और गोश्त की क्वालिटी जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। इन दोनों चीज़ों में मैं कंपेयर करूँ तो मुझे दमपुक जो है ना ज़्यादा वो ये ज़्यादा अच्छा लगा। बेहतरीन भाई, इतनी सारी चीज़ें रखी हैं,
मन्ना क्या छोड़े और क्या पकड़े हैं? अच्छा ये है भाई जर्सी कढ़ाई। अच्छा ये भी जो है वो दुम्बे के गोश्त में? जी जी दुम्बे के गोश्त में ही है। जर्सी कढ़ाई जो है ना ये दुम्बे के गोश्त में ही बनता है। हाँ हाँ जो शनिवार होते हैं वो बकरे होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई टेस्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। जो ऑयल है ये दुम्बे की लाट है उसी में बनाया है? दुम्बे की चक्की में बनाया है। उसी का गेम उठा है। माहौल बना है भाई। है ना? माहौल बना। भाई वाकई कढ़ाई मज़ेदार बहुत इंतहाई से ज़्यादा और दम पोख भी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। अगर अब इन तीन चीज़ों के अंदर मैं कहूँ ना टॉप पे तो ये जो चरसी कढ़ाई है ये टॉप पे आ गई है। उसके बाद फिर दम पोख है और उसके बाद फिर ये मछली वाली कढ़ाई है। मतलब जो नया चीज़ खाते हैं पिछला भूल जाते हैं। पिछला भूल जाते हैं। जो नया चीज़ खाते हैं वो पिछला भूल जाते हैं। पेशावर से हमने जो है ना वो जम मार ली है। अब कहाँ यहाँ ये क्या है? ये है बट कढ़ाई। बट कढ़ाई उसी पैन के अंदर जिसके अंदर ट्रेडिशनली बनाई जाती है उसी में ये बट कढ़ाई सर्व की गई है। ये भाई थोड़ा सा मीट लेते हैं और ये मिर्चें यहाँ पे हैं। भाई ने रिकमेंड किया है कि मिर्चों के साथ थोड़ा सा आप ले। समय जितनी चीज़ें आई ना सबका टेस्ट जो है वो डिफरेंट है। हालांकि ये दो चीज़ें जो थी इसमें नमकीन थी लेकिन टेस्ट डिफरेंट है। और ये जो बट कढ़ाई आई है इसका भी जो है ना स्पाइस वगैरह डिफरेंट है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको ये नहीं है कि खाली नाम डिफरेंट है चीज़ों के, टेस्ट भी उनके डिफरेंट है। और बट कढ़ाई के अंदर जो है ना वो मक्खन वगैरह डाला जाता है, एक ख़ास टच होता है लाहौर का उसके अंदर। तो वो जो जायका है उससे मिलता जुलता वो हमको यहाँ पर मिल रहा है। थोड़ा सा भाई पुलाव भी चखी लेना यार। माहौल बना हुआ है तो फिर पूरा माहौल बने। ये मीट है। ज़बरदस्ती गाजर किशमिशें मीट राइस काबली पुलाव का फुल माहौल। काबली पुलाव आ रहा है भाई। ये जो इसमें मिठास आती है किशमिशों की जी बड़ा मज़ा आता है। बहुत ही ज़बरदस्त होता है ना। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है ना वो ये है कि हर खाने में जो है वो गोश्त की क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। तो गोश्त जो है ना वो हर तरह का मीट यहाँ पे है हर टाइप का और सब जो है ना वो एक से बढ़कर एक क्योंकि यहाँ डिशेज के लिए। लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ भी है बिरयानी भी है। सारी डिशेज तो हम ट्राई कर नहीं सकते क्योंकि ये जो लैम मीट है ना ये बड़ा हैवी होता है और पेट हो गया है फुल। अभी एक नमकीन तिक्का शायद आने वाला है ना, है ना, जिसको कॉन्टिनेंटल डिशेस खानी है वो भी यहाँ पे आके ट्राई कर सकता है, जिसको लोकल खानी है वो भी ट्राई कर सकता है। ज़बरदस्त भाई खाना तो हम खा चुके हैं लेकिन ये जो असल आइटम है ना ये एंड में क्यों आया है उसकी वजह ये कि हमें लग रही थी ज़बरदस्त सी भूख तो खाना हमने मंगवा लिया और ये जो नमकीन बोटी है ना इसको बनने में लगते हैं कम अज़ कम एक घंटा। तो एक घंटे में हमारा वो वाला खाना तो हो गया लेकिन इसकी जगह हमने बचा के रखी हुई है क्योंकि असल आइटम तो भाई यही है ना। ये चेक करें आप। बिस्मिल्लाह करें मौसम भाई। आ जाए बिस्मिल्लाह करते हैं आप क्या कैसा है? बड़ी टेंडर है यार बहुत टेंडर। मज़ा आ गया भाई ज़बरदस्त भाई मज़ा आ गया खा के। और यहाँ पे वो कावा है चाय? कावा तो कावा है सर। कावा भी अच्छा पेशावरी रेस्टोरेंट होगा और उसमें कावा नहीं होगा क्योंकि ऐसे खाने के बाद जो है ना वो कावा तो बहुत ज़रूरी है भाई। ज़बरदस्त भाई मज़ा आ गया। अली भाई एंड मोहसिन भाई एंड उज़ैर भाई जज़ाकअल्लाह सर। अहमद भाई बहुत आला माशाल्लाह। कावा आ गया हमारा भाई और कावे के अंदर आप डालेंगे थोड़ा सा ये लेमन ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है लैम के गोश्त के बाद तो ये बहुत मस्त है। सारी चक्की जो है ना आपकी डिसॉल्व होती है आपको महसूस होती है। हाँ ये जब जाती है ना यहाँ से पता लगता है कि यार ये सफाई होती हुई जा रही है। सफाई होती हुई जा रही है ये। चले जी आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी जो है ना वो मैं होटल जाऊंगा रेस्ट करूंगा
पिक्चर अभी बाकी है, रियाद में हमें और चीज़ें भी घूमनी है इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद फिर मदीना भी जाना है, मक्का भी जाना है और जद्दा भी जाना है। आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई हमजा, है ना, खत्म कर रहे हैं वीडियो। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा खाना था। क्या आपका फीडबैक है फाइनल? तो मेरी फेवरेट यहाँ की बट कढ़ाई एज ऑलवेज मैं बहुत पसंद है, तो वही बेसिकली मैं वही खाना है। वेरी गुड वेरी गुड। और मुझे मटन कढ़ाई बहुत अच्छी लगी, सारी चीज़ें ओवरऑल अच्छी थी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।